दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी मॉडल पर डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके कहने पर इस मॉडल को डिज़ाइन किया है। कि दोस्तों आप विलेज की अगर बात करें, विलेज में बनवाएंगे तो बहुत ही लो कॉस्ट हाउस है, क्योंकि यहाँ पर मैंने ज़्यादा चीज़ें कुछ भी ऐसे भी कुछ नहीं डिजाइन किया है जिससे आपके घर का बजट बढ़ जाए। अगर इसके साइज़ की बात करें तो 35x45 35x45 में यह हाउस क्रिएट किया है। यहाँ पर आपको कार पार्किंग मिलती है, साथ साथ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर देखने को मिलता है। इससे पहले हम पूरा मॉडल डिस्कस करें, आपसे गुजारिश करना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इस माल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियो देख सकें। और दोस्तों मैं इसे आपसे अनाउंस करना चाहता हूँ, मैंने एक पेड सर्विस स्टार्ट की है। अगर आप किसी भी तरह के घर का नक्शा, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और वहाँ पर आपसे मैं बात करके आपकी रिक्वायरमेंट को समझ करके आपके अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करता हूँ। बशर्ते आप वहाँ पर 50% पेमेंट एडवांस देना होता है और 50% बाद में, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना हो। लेकिन आप पेमेंट तभी करें जब आपकी हमसे बात हो जाए, अन्यथा आप अन्य व्यक्ति को पेमेंट बिल्कुल ना करें। तो जो आज का मॉडल है उसे डिस्कस करते हैं। सबसे मैंने आपको मैं ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। अगर हम रेलिंग की बात करें तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ईंटों का ही रेलिंग डिज़ाइन किया है। हालांकि यहाँ पर मैंने राउंड कलर का विंडो भी दिया है, ये आपके घर को थोड़ा सा और अच्छा लुक देता है। और अगर हम पूरे ओवरऑल मॉडल की बात करें तो दोस्तों ये 3 साइड क्लोज्ड है, 3 साइड से आपके मकान वगैरह बने होंगे, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है ये मॉडल और वहीं से आपको कार पार्किंग देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो आपको ट्री दिख रहे हैं और ये आपका यहाँ पर सीढ़ियाँ स्टेयर्स लगी जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे, साइड में स्लोप है जहाँ से आप कार अपनी ऊपर ले जाते हैं। तो अगर हम इसके ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें और देख पाएंगे। जैसे आप स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 पिलर आपको देखने को मिलते हैं जो कि थोड़े स्टाइलिश बनाए हैं। जो भी बजट आपका एक्स्ट्रा लगने वाला है प्लस में ही लगेगा और सारी चीज़ें नॉर्मल्स हैं। अब इसके बाद साइड में जाते हैं, मैंने बाहर से कोई भी गेट नहीं दिया है, दोनों तरफ विंडो दे दिया है। ये आपका गेस्ट रूम है, यहाँ पर कोई भी गेट नहीं दिया है क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। इसके बाद जैसे आप कार पार्किंग के स्पेस से होते हुए ये मेन डोर है जिससे आप एंट्री करेंगे, जैसे मेन डोर से एंट्री करते हैं तो आप एक हॉल में आ जाते हैं जिसे डाइनिंग हॉल की तरीके यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपका इस कॉर्नर पर अगर हम बात करें राइट हैंड के कॉर्नर पर तो आपको एक बड़ा सा बेडरूम मिलता है। इधर की बात करें तो इधर भी आपको एक किचन एरिया फर्स्ट ऑफ मिलता है। किचन फ्रंट में डिज़ाइन करने का दोस्तों मेरा यही उद्देश्य था, इससे आपको प्रॉपर तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगा, इसलिए मैंने विंडो फ्रंट से दिया है। क्योंकि किचन जहाँ भी हो ओपन होनी चाहिए, आप ऐसा जब भी घर बनवाएं ये आप एक बार ज़रूर डिसाइड करके ही बनवाएं। तो आपका किचन होता है उसके जस्ट बगल में आपका एक बड़ा सा हॉल या बेडरूम बोल सकते हैं, उसके जस्ट साइड में आपका अटैच लेट एंड बाथ है। अटैच लेट एंड बाथ मैंने हालांकि अंदर से डोर नहीं दिया है, लेट एंड बाथ में आप अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस बेड पूरे हाउस की 35x45 के। तो यहाँ पर 3 बेडरूम मिलते हैं जिसमें आपको एक गेस्ट रूम, एक मास्टर रूम और एक बेडरूम मिलता है। इसके बाद डाइनिंग हॉल मिलता है। इधर की अगर बात करें इस साइड आपकी स्टेयर्स है जिसके माध्यम से आप ऊपर जाएंगे, उसी के नीचे मैंने लेट एंड बाथ एक और क्रिएट किया है। तो मकान में आपको 2 लेट एंड बाथ, 3 बेडरूम, 1 किचन और कार पार्किंग का स्पेस मिल जाता है। अब अगर इसके ओवरऑल की अगर बात करें इसके फर्स्ट फ्लोर की, तो फर्स्ट फ्लोर में जैसे आप जाते हैं तो सारी चीज़ें वही डिज़ाइन किया है, मैंने कुछ भी चीज नहीं किया है, बस स्टेयर्स के माध्यम से आप ऊपर आएंगे। जो कार पार्किंग वाली जगह थी वो आपको यहाँ पर बालकनी बन जाती है जो आपके घर को और भी बेहतरीन सा लुक देगी। अब अगर हम बात करें रेलिंग की तो रेलिंग जो भी है दोस्तों मैंने सिर्फ ईंटों का ही रेलिंग आप यहाँ पर बनवाएंगे, चारों तरफ ईंट लगे हुए हैं 2.5 फीट में। और ये आपका थोड़ा सा POP का वर्क है जो आप किसी भी मिस्त्री से बनवा सकते हैं। तो ये आपकी रेलिंग की बात करें, यही आपकी बालकनी भी काम करेगी। और अब लास्ट फ्लोर की जैसे पहुंचते हैं तो लास्ट फ्लोर में दोस्तों मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया, स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर आएंगे तो ये जो आपका स्टेयर्स था उसको ढकने के लिए गुमटी बना दी है मैंने, और ये आपका जो गेस्ट रूम था वो सेम टू सेम बना हुआ है। ये आपका पूरा घर कंप्लीट होकर आ जाता है और ये आपकी छत बन जाती है। तो ये 35x45 में पूरा हाउस आपका डिज़ाइन हो जाता है जो कि लो बजट है। जब भी आप इस घर को बनवाएंगे तो इसमें कुछ भी तीन जहाँ आपको ऐसा कुछ नहीं लगाना पड़ेगा जिससे आपके घर का बजट बढ़ जाए। तो ये 35x45 फीट में पूरा हाउस बनकर रेडी हो जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मॉडल कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, ऐसा से वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इससे घर का
एग्जैक्ट कॉस्ट पता करना चाहते हैं कि इस घर में मटेरियल कितना लगेगा और पैसा कितना लगेगा, तो आप हमारे स्मॉल हाउस एप्लीकेशन को, स्मॉल हाउस प्लान एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, डायरेक्ट आप प्ले स्टोर पर जाकर स्मॉल हाउस प्लान सर्च करेंगे, आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा। उस एप्लीकेशन की मदद से ओवरऑल दोस्तों मटेरियल कितना लगेगा इस घर में वो फाइंड आउट कर पाएंगे, सरिया कितना लगेगा, मोरम कितना लगेगा, गिट्टी सीमेंट वगैरह, इसके बाद उसका कॉस्ट भी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आप प्री प्लानिंग करके अगर घर बनाते हैं तो आपको घर बनाने में सहूलियत और पैसे की बचत होती है। तो ये पूरा मॉडल जैसा भी लगा हो हमें ज़रूर बताएं, और पेड सर्विस का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।